गया। चलो जय हिंद दोस्तों, आपका आरडी स्पोर्ट्स क्लब एंड फिजिकल एकेडमी प्रयागराज में स्वागत है। जैसा कि अभी सीपीओ साई का रिजल्ट आया, उसमें से सचिन और राहुल जायसवाल और आर्यन ने क्वालिफाई किया था, उसमें दो बंदे आए हैं अभी, सचिन और राहुल जायसवाल। इन लोगों का जोरदार स्वागत किया जाए। आजा आओ, एक लोग पकड़ लो इसको। ओए चलो लाओ, हमको दे दो, हम पहनाएंगे तुमको। पहले इसको पकड़ो, ऐसे सामने इधर आ जाओ बेटा। तो इसे चलो बेटिया, हाँ चलो ऐसे खड़े हो जाओ। इतने सचिन अपने हिसाब से लाया है। चलो चलो आ जाओ। चलो हम भी कहीं ना आ गए। अरे आओ, आओ दोनों लोग इधर आओ। अरे चलो, आ चलो ये बच्चे अपने मुखारबिंद से कुछ इस एकेडमी के बारे में बताएंगे और कुछ अपने बारे में बताएंगे कि हमने कैसे कम दिनों में फिजिकल किया और कैसे किया। चलिए सचिन जी शुरुआत करते हैं, आइए शुरू करो, वहीं शुरू कर दो। अरे पूछने वाला तो आ गया, पूछो यार। तो आप किस तरीके थे और कैसे फिजिकल पास किए, सब लोगों को बताओगे, सब लोग मोटिवेट होंगे और अच्छे से फिजिकल करेंगे। जैसे भी एमपी पुलिस का फिजिकल चल रहा है, ये बच्चे सब एमपी पुलिस के हैं, तो और मेहनत करें क्योंकि उसमें भी हाई जंप है, ओ सॉरी लॉन्ग जंप है और 800 मीटर है और 60 फुट है। समझिए आप ही का डिमांड है, थोड़ा सा कम है लेकिन आप ही का सब कुछ है। तो इनको बताएंगे तो इनको इनका मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से ये फिजिकल भी करेंगे, मन लगा के करेंगे। जैसे कुछ बच्चे क्या होता है कि रेस को छोड़ देते हैं, मन नहीं लगाते हैं, है ना, तो इनको बताओ थोड़ा सा, इनका भी मन डीमोटिवेट से मोटिवेट हो। मैं जब मतलब सीपीओ एसआई का मेंस हुआ तो उसके बाद में जब उसका रिजल्ट आया तब मतलब आए थे यहाँ पे, तब फिजिकल के लिए लगभग 15-20 दिन चाहिए थे। तो शुरुआत में मतलब दिक्कत बहुत हुई, मतलब रेस कैसे होगी, 1600 मीटर की रेस थी और 6.5 मिनट में पूरी करनी थी। तो पहले से मतलब रनिंग किए भी बिल्कुल किए भी नहीं थे उतना ज़्यादा। तो शुरुआत में सर ने धीरे धीरे मतलब रनिंग करवाई, कभी आधा घंटा कभी 45 मिनट, लेकिन रखा मतलब धीरे धीरे ही, तो उससे स्टेमिना बन गया। फिर तन्ने डेली मतलब लॉन्ग जंप और हाई जंप करवाई हमारी, मतलब लॉन्ग जंप कभी यहाँ पे क्लियर ही नहीं हुई मतलब। तो सर ने उसके लिए स्लोप टाइप का बनवा के फिर उससे करवाई, तो उससे होने लगी थी। फिर मतलब गए थे तो वहाँ पे क्लियर हो गया, और फिर उसके बाद दिल्ली AWTPO का भी दिए थे तो उसमें भी हो गया था। तो ऐसे सर ने मतलब बच्चों के पीछे पीछे बहुत मेहनत करी है। इन बच्चों के पीछे मेरा 3-3 घंटा जाता था। इनको हम 3:30 बजे बुला लेते थे और शाम को 5 बजे छोड़ते थे, समझ रहे हो ना। तो लॉन्ग जंप और हाई लॉन्ग जंप ऐसा है, स्प्रिंटर इवेंट है, इसमें क्या होता है कि आपको लॉन्ग जंप करने के लिए आप जब तक अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तब तक आपका लॉन्ग जंप अच्छे से होगा नहीं। इसलिए बेटा सभी एमपी पुलिस वालों और सभी को मेरा ये निर्देश है कि थोड़ा सा अपने अंदर जोर भरो
और कॉन्फिडेंस के साथ वर्कआउट करो। अभी आपकी शुरुआत आज से हो गई है, ठीक है, अब आपको धीरे धीरे लोड दिया जाएगा, बिना लोड के कुछ होना नहीं है, ठीक है। और जब मैं टाइम, क्योंकि देखिए आपका फिजिकल किस पे निर्धारित है, नंबर पर, जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप इंक्रीजिंग करने, समझ रहे हो ना, लॉन्ग जंप बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा वर्कआउट बताएंगे, अभी तो कुछ नहीं करा रहे हैं आपको, बेसिक थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से करो और टाइम मेरे को दोगे तभी आपका इसमें नंबर आ पाएगा, नहीं फिजिकल तो कोई भी क्वालिफाई करा देगा, हम टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसी बीच आपके राहुल जायसवाल जी आएंगे, ये कुछ अपने बारे में बताएंगे, कुछ इस अकेडमी के बारे में बताएंगे। आओ राहुल जी, नहीं खड़े रह सकते, बोलो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राहुल जायसवाल है और मैं जब आया था यहाँ पे फिजिकल के लिए तो वैसे भी मेरा रनिंग बहुत स्लो था, और फिर उसके बाद सर का मार्गदर्शन में और खुद का मेहनत, सर की डेडिकेशन के वजह से मेरा क्वालिफाई हो पाया है, और इसी सबके वजह से, मतलब मन तो कहेगा आप शुरू में आएंगे थोड़ा लगेगा कि हाँ छोड़ दे, नहीं कर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा हमसे, लेकिन फिर सर की थोड़ा मेहनत और ज़्यादा ही मतलब ध्यान देते थे सर, इसी सबके वजह से हम लोग का क्वालिफाई हो गया। और इनका दोनों का अभी किसमें हुआ है, नहीं अभी अभी दूसरा रोल जो ज्वाइन करोगा, यूपी पीसीएल में हुआ है आपका, इनका दोनों लोग का ना, दोनों लोग का यूपी पीसीएल में, एक बार जोरदार ताली बजा दो, है ना, ठीक है। ये बहुत कुछ नसीब है, देखो फिजिकल इसका भी किया, उसका भी किया है दिल्ली, अरे उंगली दिखा दो यार तुम लोग, ये सब बिना रहे भाई अभी।